हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंटेंसी क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ केवल ये नहीं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनर्स के ही चैप्टर में ये काम आएगा, ये आपके आगे आने वाले जो 3 चैप्टर है, डेथ ऑफ पार्टनर्स है या फिर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म है, इन सभी में काम आने वाला है। आज से पहले हम जो भी वीडियो लेक्चर्स में हमने गुडविल को समझा था, गुडविल की वैल्यूएशन को और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सभी जो कैलकुलेट किए थे, ये आगे आने वाले कई चैप्टर्स में हमारे काम आएंगे। तो ये रीवैल्यूएशन एक पूरा टॉपिक है, ये नहीं कि इसी चैप्टर में काम आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप सभी ध्यान से इसे सीखें। रीवैल्यूएशन, जैसे कि आपको मीनिंग से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का वापस से वैल्यूएशन करना, ठीक है ना। री यानी कि पुनः, वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। सपोज़ कि आपने 5 साल पहले एक ज़मीन या एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी जो कि थी 10 लाख रुपए की। आप उसी प्रॉपर्टी को 5 साल के बाद में क्या आप 10 लाख में ही उसे वापस सेल करेंगे? नहीं। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में आपको सेल करूंगा। तो ये आपने क्या किया, आपने अपनी एसेट की वैल्यू को क्या किया, रीवैल्यूएट करना, यानी कि उसकी वैल्यू में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एसेट में एक मशीन लूँ, तो मशीन जो 5 साल पहले ली थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। मशीन की वैल्यू डाउन कैसे हो गई, क्योंकि वो यूज़ में आई है, उसमें हमने कुछ डेप्रिसिएशन लगाया था, इसीलिए क्या बताया जाता है, वो यूज़ में आने के कारण उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी तरीके से हम लायबिलिटीज़ में भी देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी एसेट या लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी या ज़्यादा होना, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना, हम क्या कहते हैं, होने के कारण हम उस एसेट की वैल्यू या लायबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा से रीवैल्यूएट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। आइए हम इसके मीनिंग देखते हैं। रीवैल्यूएशन मीनिंग टू रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज सो एज द फाउंड एनी चेंज इन द वैल्यू। तो यहाँ हमने देखा कि रीवैल्यूएशन का मतलब रीचेक, क्या करना, रीचेक करना वैल्यू के एसेट एंड लायबिलिटीज़ के। फिर हम ये फाउंड आउट करते हैं कि इनके चेंज होने से हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है। सपोज अगर आपकी प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ हो गई, जो कि पहले 10 लाख की थी, तो आपको क्या हुई है, प्रॉफिट हुई, एसेट की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू डाउन जाती है, यानी कि आपका क्या हो गया है, लायबिलिटीज़ आपकी कम हो गई है। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हम एक अकाउंट बना के करते हैं, जिसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ये रीवैल्यूएशन हमें क्यों करना पड़ता है, यानी कि किसी भी संपत्ति का या एसेट का वैल्यूएशन हमें पुनः वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, इसी के कुछ रीज़न है। देखते हैं कि व्हेन यूज़ ए एंड रीज़न, इसका क्या यूज़ है और रीज़न क्या है। जो फर्स्ट हम देखेंगे कि फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर है आपसरी में, अगर प्रॉफिट के शेयरिंग का रेशियो जो चेंज करता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएट करना पड़ता है एसेट एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को। फर्स्ट रीज़न ये है, इसमें हम देखेंगे कि टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू बिटवीन द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहाँ हम देखेंगे कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। न्यू प्रॉफिट रेशियो आया है हमारा, पर जो भी चेंजेज आ रहा है, यानी कि हमारी एसेट में अगर इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। वही अगर एसेट की वैल्यू में कमी आई है, तो ओल्ड रेशियो में हम क्या कर लेंगे, पार्टनर से हम ले लेंगे, ठीक है ना, वैल्यू को हम ले लेंगे। ये किस तरीके से होगा, ये हम न्यूमेरिकल में भी और अच्छे से समझेंगे। सेकंड रीज़न है किस चीज़ का, रीवैल्यूएशन करने का, यानी कि किसी भी एसेट या लायबिलिटीज़ के वैल्यूएट वापस से वैल्यूएट करने का सेकेंड रीज़न है फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसमें एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, तब एसेट की वैल्यू में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होगा, देखेंगे। टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहाँ कहा गया है कि आप पहले ए और बी जो पार्टनर थे,
उन्होंने अपनी 1 लाख की एसेट लगाई थी, 5 साल के बाद में उसकी वैल्यू अब 10 लाख हो गई है। तो वो 10 लाख जो हुई है, जो इंक्रीज़ हुई है, इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड रेशियो को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो क्या हुआ, अभी ही एंटर हुआ है। जो पहले ओल्ड पार्टनर ने जो प्रॉफिट एसेट में जो अपनी वैल्यू लगाई थी, अभी जो 5 साल के बाद में जो इंक्रीज़ हुआ है, उसके ऊपर किसका शेयर रहेगा? ओल्ड पार्टनर का ही होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में जो भी कोई प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। बाकी ये सब एक थ्योरी है, आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन कब आती है? थर्ड रीज़न हमारा हो जाता है कि फोर डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है कोई भी पार्टनर। तो रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तब कोई वैल्यूएशन में हमारी चेंज आती है, उसका जो प्रॉफिट है या उसका लॉस है हम किस में करेंगे? या तो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको, या फिर उसकी डेथ हो, जिस पार्टनर की हो गई उसके रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करेंगे, उसका शेयर दे देंगे। टू गिव द शेयर टू द पार्टनर हु इज़ रिटायर और नो मोर। ठीक है, ये तो हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट था। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। कहा गया है कि टू फाइंड आउट द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज एन अकाउंट इज प्रिपेयर कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि हमारे पास ये तो नहीं एक ही एसेट है आपके फर्नीचर के, आपके मशीन में या कैपिटल में, ये सभी में क्या इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है, ये नेट हम निकाल करके हमारे पास में वो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसका सेकंड नेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, कहा गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये देखिए, हम प्लस वन में हम अभी पढ़ करके आए हैं, 11th क्लास में हमने रियल अकाउंट, पर्सन अकाउंट और एक थर्ड हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। फिर रिकॉल करवा दूं कि उसमें हमने रूल्स पढ़े थे, हमने क्या देखा था, देखा था कि हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते थे तो हमारा यही रूल था कि जो भी लॉस है या फिर एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। जो भी हमारा प्रॉफिट गेन हो रहा है या फिर इनकम हो रही है उसे हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। हमने यही देखा था, सभी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते थे और सभी इनकम को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ये सभी आपको रूल याद है, वही रूल के अकॉर्डिंग हम नॉमिनल अकाउंट है ये, तो नॉमिनल अकाउंट को रिवैल्यूएशन के हिसाब से ही हम करेंगे। ठीक है, आगे हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट कैसा होगा। नॉर्मल जैसे हम सभी अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ डेबिट साइड और यहाँ क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट की तरफ हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है, यहाँ हम देखेंगे जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है या हमारे कोई लॉसेस हो रहे हैं वो हम डेबिट की तरफ लिखेंगे। इनकम हो रही है या हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा है तब हम लिखेंगे। अब बात आएगी कि हम एसेट और लायबिलिटीज़ का जब वैल्यूएशन करें तब किस तरीके से इनकम होती है या किस तरीके से लॉसेस होते हैं। सपोज़ कि आपकी एसेट पहले 1 लाख की थी, अब वह 2 लाख की होगी, तो आपको क्या हुआ, 1 लाख का आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है, तो हमने ये भी रूल पढ़ा है कि जब एसेट इंक्रीज़ होगी तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्रीज़ क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हमारी इनकम हो रही है, एसेट बढ़ रही है, हमारी इनकम हो रही है, तो हम यहाँ 1 लाख दिखा देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि क्रेडिटर्स मेरे बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं यानी कि मेरे को क्या हो रहा है, मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है या मेरे लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो कहाँ दिखा दिया जाएगा, डेबिट की तरफ दिखा दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल आपको फॉर्मेट बता दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, कई बार हमें बोल दिया जाता है कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री आती है हमें और अकाउंट भी बनाना आता है, हम बस एक नॉर्मल देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है, देखते हैं। कहा गया है कि फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्री, कब कई तरीके की कंडीशन आएगी तब हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि फॉर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब हमारी कोई भी एसेट की वैल्यू, हम यहाँ क्या करें, वैल्यू में हमारे चेंजेस आ रहे हैं तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर वैल्यू की, कोई भी एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तब हमारी क्या एंट्री होगी। आप सभी को पता है जब एसेट इंक्रीज़ होती है
एसेट जब भी इंक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं, एसेट के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इससे एसेट के इंक्रीज होने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो सारा प्रॉफिट हम कहाँ दिखा रहे हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखा दीजिए, या फिर आप उसको हमने क्या नाम दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया है। एसेट इंक्रीज हुई, उसको हमने डेबिट किया, इस एसेट से हमें क्या हुई है, इनकम हुई है, जो कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने दिखा दिया। अभी मैंने बताया कि जब भी इनकम होती तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सेकंड कंडीशन हमारी आती है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ नॉर्मल हम दिखा देते हैं टू एसेट अकाउंट। यहाँ एसेट में आप किसी भी एसेट का नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मशीन है, फर्नीचर है, नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसेट जब कम होगी तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, या मैं कह सकती हूँ लॉस, वो हम कहाँ दिखा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी खर्चा होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा मैं कहाँ दिखाऊंगी, उसके डेबिट की तरफ दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी एसेट कम हुई है। सिंपल सा है, अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ दिखाया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, बाई एसेट। अभी हमने अकाउंट देखा था, फिर देख लेते हैं एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एंट्री हुई है हमारी, एंट्री मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एक बार एसेट अकाउंट डीआर हुआ है, टू रिवैल्यूएशन हुआ है। तो टू रिवैल्यूएशन यानी क्रेडिट की तरफ हम क्या सामने वाले का रेफरेंस देंगे, तो यानी कि जब भी इनकम होगी, कब होगी, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ क्या दिखा देंगे, एसेट अकाउंट। यहाँ एसेट का नाम हो तो वो ही लिखें, तो यानी इनकम हो या एसेट जब इंक्रीज हो रही हो तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है। ठीक है, आगे हमारी थर्ड कंडीशन आती है कि फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब भी हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है हमारी, तो जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ती तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू हम यहाँ क्या कर देंगे, लायबिलिटीज। देखिए यहाँ कोई नेम हो, जिस जैसे कि कोई लोन है या कैपिटल कुछ भी हो, वो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। ठीक है, सिंपल। जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तो यानी हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा। एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखा रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखा रहे हैं, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन, जबकि हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है, यानी वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और जब भी लायबिलिटीज़ कम होती है तब हमें पता है हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, ये रूल्स हम पढ़ करके आए हैं, जब एसेट हमारी इंक्रीज हो रही हो तो हम डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इससे वाइस वर्सा हम एंट्री कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब लायबिलिटीज हमारी कम होती तो हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बात यहाँ तक आई। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई। ठीक है, यानी कि मैं ये मान के चलूँ कि 1000 रुपये का स्टॉक मैंने दिखाया नहीं था, 1000 रुपये का आपने स्टॉक नहीं दिखाया, वो क्या है, अनरिकॉर्डेड है। किस तरीके से हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ देखते हैं, जब मेरा स्टॉक नहीं है, अब स्टॉक लिख दिया जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कोई भी लायबिलिटीज मेरी अनरिकॉर्डेड है तो यानी लायबिलिटीज को बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, या मैं ये मान के चलूँ मैंने क्रेडिटर्स नहीं दिखाए हैं तो क्रेडिटर्स दिखा दूँगी। तो यानी कि हम देखेंगे कि जब भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ कोई भी लायबिलिटीज अगर अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड अगर लायबिलिटीज़ है तब हम दिखा देंगे, क्योंकि हमारी खर्चा हो रहा है, यहाँ दिखा दिया जाएगा उसकी अमाउंट। और अगर यहाँ पे टू करके, और अगर हमारी कोई भी एसेट अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की तरफ यहाँ अमाउंट हम दिखा देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है ना, डेबिट की तरफ हमारा अमाउंट आ रहा है
लाख, यहाँ हमारा आ रहा है 9 लाख। यानी क्या हो रहा है, मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम मेरी कम हो रही। तो आप बताइए क्या होगा, यहाँ हमें क्या होगा, लॉस होगा। दोनों बराबर करने के लिए हम कहाँ लिखते हैं, इस तरफ ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बाई लॉस किससे हुआ है, एज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी के रिवर्स, अगर मेरी इनकम 10 लाख है और मेरी खर्चा यहाँ है, तो हमें क्या दिखाऊंगी, यहाँ भी मैं दिखाऊंगी टू प्रॉफिट। यानी किसी भी तरीके का, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम इसके रिवर्स प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में यहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उसके रिवर्स हम यहाँ पे दिखाएंगे। एंट्री किस तरीके से होगी देख लेते हैं, ठीक है। एंट्रीज हमारी कुछ इस तरीके से होगी, अगर अनरिकॉर्डेड की आप सभी को समझ में आ गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो हम दिखाएंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तब हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर की क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज ही होगी, ठीक है ना। तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर लिख दिया जाए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ओल्ड पार्टनर को ही क्यों दिया जा रहा है, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले की जो भी ट्रांजैक्शन है, नया पार्टनर आज की डेट में आया है, उससे पहले के सारे ट्रांजैक्शन को किसको मिलेगा, वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, यानी उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट को, उसमें प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, अब कैपिटल अकाउंट में। तो जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। वैसे प्रॉफिट क्या होता है आपका, क्रेडिट में होता है, जब प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको बांट देंगे। अगर वही हमारा लॉस होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर से हमें लेना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ दिखाएंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो होगी कम होगी, जिसको हम डेबिट कर देंगे, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम, इसे हम क्या कर देंगे, खर्चे को कम कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा खर्चा बढ़ा हुआ था उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर से हम अब ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अकाउंट में भी बता दिया किस तरीके से होता है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये तो नॉर्मल हमारा जानना था कि क्या एंट्रीज होती है, किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं। कई बार क्या होता है, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके भी देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आती है, हर क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से मैंने आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो में बताया था कि वहाँ पे फ्रॉम है, फोर है, उससे हमें क्या होता है, क्वेश्चन में काफ़ी चेंज हो जाता है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि फ्रॉम होने से किस तरीके से रेशियो निकलेगा, फोर होने से किस तरीके से रेशियो निकलेगा। वैसे ही अभी इस क्वेश्चन में भी क्या होता है, एक लैंग्वेज दी जाती है, ठीक है। वो लैंग्वेज से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी एसेट या लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन में चेंज आ रहा है, देखते हैं वो क्या है। यहाँ लैंग्वेज आएगी, या तो लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में एट या टू, एट या टू, कैसे कि जैसे लिखा हुआ आएगा मशीन वैल्यूएट एट 60,000, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी दी गई है, बैलेंस शीट आपकी दी गई है, बैलेंस शीट में एसेट आपकी दिखाई गई है, मशीन में बता दूं कि 50,000 के मशीन आपको यहाँ पे 50,000 की बताई गई है। पर नीचे जो इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ आया कि मशीन वैल्यूएट, लैंग्वेज में ध्यान दे, एट 60 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये ऐट आया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अमाउंट से पहले अगर ऐट आ जाए, तो यानी अमाउंट गिवन एज मार्केट प्राइस, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जब भी ये मशीन खरीदी थी तभी 50,000 की थी, आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दी, पर आज की डेट में ये मशीन की वैल्यू कितनी है, एट 60,000, ठीक है ना।
कितनी है 60,000, यानी अब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डिफरेंस के अमाउंट देखते हैं, वहाँ आपको रिवैल्यूएशन में ये नहीं, क्योंकि पूरे 60,000 का आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये जो डिफरेंस है 10,000 का, वो ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर से ध्यान दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल हम जितना इंक्रीज हुई है वैल्यू, जितनी डिक्रीज हुई है, केवल वो ही दिखाते हैं, पूरी टोटल वैल्यू हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखा देंगे, 10,000, कैसे दिखा देंगे वो हम देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ आपका बताया गया है, एसेट इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे आपका एसेट में आपकी 10,000 दिखा दी जाएगी, 50 पहले से दिखाई भी 10 और दिखा दी। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे आप, जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना डिक्रीज हो रहा है, केवल वो वैल्यू दिखाओगे, टोटल वैल्यू आप नहीं दिखाओगे। रही बात ये कि जब एट या टू आए कोई भी अमाउंट से पहले, तब हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितना डिफरेंस है, वो हमें मार्केट प्राइस बताई हुई होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, जैसे कि एसेट इंक्रीज बाय 5,000, जब भी बाय लिखा हुआ आएगा तो उससे पहले एक डायरेक्शन दिया हुआ आएगा, डायरेक्शन यानी कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं लैंग्वेज बता दूँ कि इस तरीके से आएगा कि एसेट या लाइबिलिटीज इंक्रीज को पहले डायरेक्शन दिया हुआ होगा, इंक्रीज बाय, यानी कि आपको अब यहाँ वैल्यू बता दी गई है, यानी डिफरेंस की वैल्यू बता दी गई है कि 5,000 रुपये से आपको अपनी एसेट इंक्रीज करनी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, 5,000 से आपको अपनी एसेट इंक्रीज करनी, तो मुझे क्या रिवैल्यूएशन में सीधा दिखा देना होगा कि 5,000, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अगर एट या टू दिया हुआ हो तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है कि कितना हमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर बाय लिखा हुआ हो तो हमें डायरेक्शन दिया हुआ होता है इंक्रीज या डिक्रीज, सीधी अमाउंट बता दी जाती है कि 5,000 से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। अब हम एक न्यूमेरिकल के से देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपके ही बुक का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, यहाँ पे ये ध्यान दें कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, अभी मैं केवल आपको रिवैल्यूएशन बता रही हूँ, तो रिवैल्यूएशन वाला पोर्शन करके ही बताऊंगी कि किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं कि एल और एम पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2 है, एन जो है वो नया एडमिट कर रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि डिसाइड किया है कि 5:3:2 किया, ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया। आगे आपको बैलेंस शीट दी गई है जिसमें कहा गया है, ध्यान दें, क्रेडिटर्स आपको कितने बताए हैं 40,000, जनरल रिजर्व आपको बता दिए 10,000, और कैपिटल है एल और एम की 3 और 2 लैक्स। बैंक बताए हैं आपको, बैलेंस है उसका 1,61,000, डेटर्स आपके बताए गए हैं 40,000, और प्रोविज़न फॉर डेटर्स का, डिस्काउंट फॉर डेटर्स का बताया गया है 1,000, जो कि अब 39 रह गया डेटर्स। स्टॉक बता दिया आपको 50,000, फर्नीचर आपको 2 लैक्स, और प्लांट एंड मशीन 1 लैक्स। ये सभी हमें वैल्यूएट करके दिया गया है। अब क्या परिवर्तन आया, वो हमें अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होता है। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ कहा गया है कि एन विल ब्रिंग 2 लैक्स एज हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल लेकर के आ रहा है। एन इज़ एनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपनी गुडविल जो है वो कैश में नहीं ला सका। इट इज़ देयर फोर डिसाइड टू कंप्यूट गुडविल ऑन द बेस ऑन एन शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम इन फॉर्म। आगे देखो, ये जो सभी बातें थी, ये गुडविल को कैलकुलेट करने की थी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने सीख ली थी। आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, तो ये सभी चीज़ें आप करें आज, क्योंकि क्या होता है, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसी का ही मैं आपको बता करके कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। अब आगे ध्यान दें कि अब यहाँ पे प्लांट या मशीन या एसेट की आपको वैल्यू बताई जा रही है। लैंग्वेज में भी ध्यान दें, प्लांट एंड मशीन इज़ वैल्यू एट, यहाँ क्या बताया, एट 1,60,000, यानी कहा गया है कि प्लांट और मशीन की आज की डेट में वैल्यू कितनी है 1,60,000, और आपने कितनी लिख रखी है 1 लाख, आपने यहाँ कितनी लिख रखी है 1 लाख, यानी 1,60,000 है, यानी आपका डिफरेंस आपको स्पष्ट दिख रहा है कितने का है, 60 का है।
आपकी एसेट कितनी इंक्रीज करोगे, आप 60 की ही करोगे। आगे कहा गया स्टॉक एट, अमाउंट से पहले एट है, यानी कि अभी मार्केट प्राइस है 55, हमने कितना लिख रखा था 50 का, तो यानी 5,000 ही केवल मेरे क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे कहा गया हाउएवर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। आगे कहा गया है कि एट 5% आपको डेटर्स को इंक्रीज करना है। अमाउंट सॉरी ये आगे कहा गया कि फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएट बाय, यहाँ आपको डायरेक्शन दे दिया डेप्रिशिएट करना यानी कि कम करना है, डेप्रिशिएट बाय किससे, 10% से, ठीक है। कहा गया है आगे कि रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड वाली बात भी आ गई और एट और बाय वाली बात भी आ गई कि अनरिकॉर्ड है हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हम किस तरीके से करेंगे। प्रिपेयर हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, केवल हम इतना ही करके देखते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे फर्स्ट हमें ये कहा गया है, मैं फिर आपको कह दूँ प्लांट एंड मशीन इज, आप अपनी बुक में देख सकते हैं 67 नंबर पेज में कहा गया है कि प्लांट इज एंड मशीन वैल्यूएट आपको बताई गई है एट 1,60,000 की, ठीक है, और जो कि यहाँ वैल्यू आपको बताई गई थी 1,00,000 की, ठीक है, यानी इंक्रीज मेरी एसेट कितनी हुई है, केवल 60 की ही हुई है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो मैं यहाँ लिखती हूँ नेम, मुझे बताया गया है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, यहाँ ध्यान दें रिवैल्यूएशन में मैं केवल 60 ही लिखूंगी, जितने की इंक्रीज हुई है जितने की वो डिफरेंस अमाउंट ही लिखती हूँ, ठीक है। एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, टू क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मेरी प्रॉफिट यानी इनकम के रूप में डिनोट कर दिया जाएगा। सेकेंड लाइन थी हमारी स्टॉक एट 55, ठीक है ना, यहाँ बताया गया स्टॉक एट 55, ठीक है, एट 55 यानी इसकी वैल्यू बताई गई है, जिसमें कि मेरा स्टॉक यहाँ बताया गया कि केवल 50, इंक्रीज कितनी हुई है एसेट मेरी 5 की, डिफरेंस की अमाउंट 5 है, रिवैल्यूएशन में वो ही दिखाई जाती है कि कितना इंक्रीज हुआ है एसेट, फिर मेरी इंक्रीज हुई है बाय स्टॉक अकाउंट दिखा दिया जाएगा, और यहाँ आप अपना डिनोट भी कर सकती हैं कि 55, या आप ये सभी वर्किंग नोट में भी दिखा सकती हैं, जो कि मैं यहाँ केवल 5 ही दिखा रही हूँ। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है आपका मेंटेन करना है एट 5%, ठीक है ना, ऑन डेटर से आपको करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 40,000 के हमें डेटर्स बता दिए गए हैं, इसका हमें 5% हमें निकालना है, ठीक है, जो कि क्या करना है हमारी वो लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि प्रोविज़न बना के रखना होता है वो हमारी क्या हो जाएगी लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा दिया जाएगा जो कि है 40,000 का 5%, ठीक है, 40,000 का 5% हम दिखाएंगे जो हमारा आता है ये, पर यहाँ मुझे बता दिया गया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, कि प्रोविज़न आपका पहले बताया गया है 1,000 का आपको बता दिया गया 2,000 का था, यानी कि 1,000 का ही तो और बना रहा है ना, डिफरेंस की अमाउंट कितनी आई 1,000, देखिए 40,000 का 5% कितना होता है 2,000 होता है, 1,000 का तो हमने पहले ही बना दिया था, अब हमें क्या करना है 1,000, ये हमारा क्या हो रहा है लेस की तरफ है, यानी वैसे क्या होती है ये लाइबिलिटीज़ ही हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोविज़न बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस की अमाउंट हो जाएगी हमारी 1,000 रुपये, हमें बता दिया गया था पहले ही, तो यहाँ पे हम केवल 1,000 रुपये ही दिखाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे हमें कहा गया है कि एक अनरिकॉर्डेड रेंट है जो कि हमारा क्या हो जाएगा ये खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये मेरा क्या है एक्सपेंसेस है, अनरिकॉर्डेड है, तो मैंने यहाँ बताया था एक्सपेंसेस मेरी रिवैल्यूएशन के डेबिट की तरफ आता है, तो 2 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दिया जाएगा जो कि यहाँ आपको बताया गया है कि 10,000 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फर्नीचर के बारे में भी बताया गया है कि फर्नीचर आपको डेप्रिशिएट करना है बाय 10%, ठीक है ना, फर्नीचर आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, फर्नीचर आप पर
2 लैक्स दिए गए हैं, इसका आपको 10% का डेप्रिसिएशन करना है। तो हमें क्या करना है, यानी कि एस फर्नीचर के वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। एसेट यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। रिवैल्यूएशन में एसेट जब कम होती है तो हम यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा खर्चा हो रहा है। तो टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, जो कि मेरा 20,000 आएगा, क्योंकि ये 2 लाख का 10% था। ठीक है, आगे अब हमारा यहाँ तक का जो भी वैल्यूएट करनी थी कम कर देंगे, दिखा दिया गया। अब यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तब हम ये देखेंगे, तो यहाँ हमारा टोटल कितना आया, 65 यहाँ आया है और यहाँ हमारा 31 आया है, यानी डिफरेंस की अमाउंट कितनी हो गई है हमारी, 34 हो गई है। ध्यान दें, यहाँ ये क्या है, इनकम की साइड हमारी 64 है, एसेट हमारी ये कम है, यानी ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करते हैं, एंट्री, जब प्रॉफिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 यहाँ क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र हम कर देंगे किस में, जो भी ओल्ड पार्टनर था, इनकी क्या हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज। यहाँ पे आप लिख देना कि कैपिटल में L, और यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा ओल्ड रेशियो में ही आपको ट्रांसफ़र करना है। ओल्ड रेशियो हमें 3:2 दिया गया था, ओल्ड रेशियो हमें 3:2 दिया गया है, तो 34 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। हमने यही नई चीज़ सीखी कि रिवैल्यूएशन में वही अमाउंट दिखाई जाती है जितनी अमाउंट की इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, टोटल अमाउंट यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। लैंग्वेज का हमने देखा, एट में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और बाय में हमें क्या होता है, कैलकुलेट किया हुआ ही होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे कि क्या होता है, कई चीज़ें आप बीच में छूट जाती है हमारी। ठीक है, आगे फिर हम नई नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।